चलो, तो आज हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स भी आपको बता देते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो बेनिफिट्स भी होने चाहिए, पता होना चाहिए कि क्यों हम ये कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट वही है, आपके जो टारगेट्स होते हैं वो आप इसकी मदद से अचीव कर सकते हैं, इन हीलिंग्स की को करके। आपका बच्चों का फोकस, कंसंट्रेशन स्टडीज में वो बढ़ता है, आपके रिलेशनशिप्स में पीस और हार्मनी आता है। जब पीस और हार्मनी आएगा तो लव और अफेक्शन अपने आप आ जाएगा, राइट? आपके जितने भी डिजीजेस होती हैं, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब आपको उन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। देन जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनसे भी आप प्रोटेक्ट हो सकते हो इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अगर आपकी गलती नहीं है। देखिए, लीगल मैटर्स में मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर जैसा ही बोलना चाहूंगी, कभी भी इन मोडालिटीज को, कभी भी किसी भी एनर्जी को उस लिए यूज मत कीजिए क्योंकि आपको बचना है, भले ही आपने गलती करी। तो ये जो भी हीलर है उनके लिए भी ये डिस्क्लेमर है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है कि ये लीगल इश्यू हुआ है और मुझे आप इससे बाहर निकालें, तो प्लीज थोड़ा सा उसका उससे बात कीजिए। पहले ये पता कीजिए कि जो आपके पास हीलिंग के लिए आया है, कहीं गलती उसी की तो नहीं है, कहीं वो किसी और को फंसा तो नहीं रहा है, ठीक है? बिकॉज लीगल मैटर्स में ये इश्यूज आते हैं, है ना? तो आपको कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना, नहीं तो वो एनर्जीज वैसे भी वर्क नहीं करने वाली है, ठीक है? उसके बाद जितने भी हमारे एनिमीज होते हैं उनको डाउन करता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है, बिकॉज इसका फर्स्ट सिंबल ही वही है कि आपके सब ऑराज और चक्रास को क्लीन करना। उसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ब्रह्म नाड़ी। आप में से कौन कौन ब्रह्म नाड़ी के बारे में जानता है? प्लीज अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए, आई लव टू टॉक। ब्रह्म नाड़ी के बारे में कोई जानता है तो बताइए। हाँ जयश्री जी, नो मैम, आई ओनली नो ईड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना। ओके फाइन, ठीक है। तो ब्रह्म नाड़ी क्या होती है? सब लोग चक्रास तो जानते हैं, सेवन चक्रास तो सभी जानते हैं, यस ठीक मैम। है? ग्रेट। ब्रह्म नाड़ी हमारे थर्ड आई और सहस्त्र चक्रा के बीच में होती है। वो जो ग्लैंड होती है पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं, वो पीनियल तो अंदर है, यहाँ थर्ड आई के पीछे है। पीनियल ग्लैंड इज टोटली डिफरेंट। ओके ओके मैम। दो दिस नाड़ी तो है, हाँ जी, दो नाड़ी है ना इसमें, थर्ड आई और क्राउन चक्र के बीच में। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड आई और क्राउन के बीच में दो नाड़ियां होती हैं, हाँ, उन्हें दो ब्रह्म नाड़ी होती नाड़ियां है। कहा जाता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हुंकारा विदाहली में ये दो नाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके? उसके बाद ये आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाता है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि अगेन जैसे कि आपने अभी बोला जयश्री जी, पीनियल ग्लैंड, इसमें पीनियल ग्लैंड भी यूज होता है, उसको भी एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं, जिनका थोड़ा सा माइंड स्लो चलता है, उनको भी ये हेल्प करती है हीलिंग मोडालिटी। जितने भी आपके सीएज हैं, बैंकर्स हैं, जहां पर भी आपका दिमाग का काम है, साइंटिस्ट, राइट, वहां सब ये हीलिंग्स काम आती हैं। पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली उनको अपने अलग अलग बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है पॉलिटिशियंस को भी। बिजनेस ओनर्स, दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस, दे वांट टू अर्न, उनका प्रोडक्ट क्वालिटी, हर चीज में दिमाग लगता है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस, आपको पेपर पेन दे दिया गया है भैया इसको कॉपी कर लो, उसमें कोई दिमाग नहीं लगता। लेकिन जहां आपको अपना इनपुट देना है, जहां आपको माइंड वर्क करना है, वहां ये मोडेलिटी बहुत हेल्पफुल मैम, क्या हम अपने में ये वाली चेंजेस ला पाएंगे, क्लाइंट है। अट्रैक्शन और ये बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें? बिकॉज जब बिल्कुल बिल्कुल ला तक खुद पाए, का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक खुद की अर्निंग बहुत सॉलिड नहीं होगी, हम दूसरों को कैसे? ये अभी आपका, थैंक यू, आपने जयश्री जी ये क्वेश्चन किया, याद दिलाइएगा, इसका मैं आंसर दूंगी अभी आपको। और मैम, अच्छा, और मैं कहा लास्ट पॉइंट है इसका, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपको बहुत फायदा देती है, ठीक है?
बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को ये सब चीजें बता दी जाए तो बेटर रहेगा. ओके.